Chapter 13, trial balance. Now this is prepare the trial balance of Ankit as on 31st March 2018. He has omitted to open a capital account. Now all these balances are given to us, but in this question one more thing is there, that they have not given us the amount of capital. So how we will calculate the amount of capital? What we will be doing is we will make the trial balance like this, and then we will add the side of debit, we will add the debit side. Debit side total will come, and we will add the credit side also, all the items, and then we will deduct the total of credit side from the total of debit side, and capital will come to us. Capital ka jo missing amount hai wo hame mil jayega jab hum debit mein se credit ko minus kar denge. So now let us look at this bank overdraft. 85,000 bank overdraft is a liability. Liability side mein chala jayega. Sales, revenues, liability side, credit side. Purchases, return. This is purchases return. Yes, Dhruv has raised hand. Yes, Dhruv, any question? Ma'am, if in the question only overdraft is written, so hum usko kya manenge? If in the question only overdraft is written, then hum usko bank overdraft hi manenge. Overdraft ka meaning sirf bank overdraft hi hota hai. हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग वही रहेगा. हाँ जी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट वर्ड जो आया है ओवरड्रॉ से आया है. ड्रॉ मतलब किसी कहीं से मनी को निकालना, और ओवरड्रॉ मतलब लिमिट से ऊपर निकाल लिए गए हैं पैसे, और उससे वर्ड आ गया ओवरड्राफ्ट. और ओवरड्राफ्ट हमारे अकाउंटेंसी में 11th में बस बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए यूज़ होता है, और 11th के अकाउंटेंसी में तो कहीं पर भी ओवरड्राफ्ट वर्ड किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ है. इन इंग्लिश लैंग्वेज इसके और डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, बट इन योर अकाउंटेंसी ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट ओनली. परचेजेस रिटर्न, ऑपोजिट ऑफ परचेजेस, इट विल कम इन टू द क्रेडिट साइड. डेटर्स असेट्स, डेबिट साइड. वेजेस आर एक्सपेंसेस, डेबिट साइड. Capital, we will write capital, but amount we will not write. That we will calculate once we are drafting the entire trial balance. जब पूरा trial balance बन जाएगा उसके बाद हम capital का जो amount आ जाएगा वो credit side में लिख देंगे. Purchases are expenses, debit side. Cash in hand, asset, debit side. Creditors, liabilities, credit side. Sales return, opposite of sales, debit side. Equipment are will be counted in assets, debit side. Opening stock is an asset, debit side. So we are writing all the items. Sari item humne debit or credit side mein likh diye hain. Yes, Dhruv. Ma'am, as we have to make working note in journal. So मैम, हम वर्किंग नोट जर्नल के साथ साथ तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि जर्नल कितना बड़ा जाएगा. हाँ, ये वाला एक पॉइंट है. आई विल कम टू दिस पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रायल बैलेंस. ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करके मैं आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ, ठीक है ध्रुव? इतना थोड़ा सा वेट कर ले प्लीज. अभी यहाँ पर ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स हमने लिख दी हैं. डेबिट साइड में हमारे पास कोई मिसिंग आइटम नहीं है, सारी आइटम हैं. डेबिट साइड के सारे अमाउंट हैं हमारे पास. सो हमने डेबिट साइड का टोटल कर लिया, दैट इज कमिंग टू 12,91,250. अब क्रेडिट साइड में हमारे पास कैपिटल का अमाउंट नहीं है. बाकी हमारे पास फोर अमाउंट्स हैं, 85,000, 8,10,000, 22,500, 2,15,000. हमने ये चारों अमाउंट्स का टोटल करा और उसे 12,91,250 में से माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल आना है. और जब माइनस कर दिया, माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा 1,58,750, और उस अमाउंट को हमने कैपिटल में लिख दिया, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, या आप ब्रैकेट में BF लिख सकते हो उसे, और वो अमाउंट चला जाएगा कैपिटल में. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के साथ साथ एक मिसिंग वैल्यू भी फाइंड आउट करना है.
एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? इस ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है? कैसे हमने कैपिटल का अमाउंट निकाला? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ ध्रुव। ध्रुव वॉज आस्किंग कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि जर्नल कितना बड़ा बनाना है और फिर लास्ट में वर्किंग नोट कहाँ पर आना है, इसका हमें एस्टिमेट थोड़ा सा बनाना पड़ता है। जैसे हम क्वेश्चन को एक बार ही रीड कर लेते हैं या क्वेश्चन को ओवरऑल देखने से हमें पता चल गया है इस क्वेश्चन में 10 ट्रांजेक्शन्स हैं। 10 ट्रांजेक्शन्स हैं, दैट मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट तो आएगा ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ कंपाउंड एंट्री या ओपनिंग एंट्री में हमारी, अगर ओपनिंग एंट्री में ज़्यादा आइटम्स हैं तो उसमें ज़्यादा आ सकता है। 10 एंट्रीज के अकॉर्डिंग एक डेबिट, एक क्रेडिट और एक नरेशन और फिर एक लाइन छोड़ के जो एक और लाइन बनानी है, मतलब 5 लाइन्स के अकॉर्डिंग हमारा एक ट्रांजेक्शन में लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप 50 लाइन्स आपके रजिस्टर में जितनी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेज पर 25 लाइन्स हैं और दूसरे पेज पर भी 25 लाइन्स हैं, दैट मीन्स थर्ड पेज से आप वर्किंग नोट को स्टार्ट कर दोगे और वैसे भी आप फॉर्मेट पेंसिल से ड्रॉ करते हो, तो इस तरह से आपको एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। इसका कोई भी ऐसा मेथड है नहीं है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट पता लगा सकूं। उसके लिए मेरे को पूरा पहले लाइंस काउंट करूं कितने आ जाएंगे, वो सब काउंट करने की बजाय हम अपने माइंड में थोड़ा सा एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमारा 2 पेजेस लग जाएगा जर्नल बनाने में, डिपेंडिंग ऑन आर राइटिंग एंड स्टाइल ऑल्सो, कि हम कितना लाइन लीव करते हैं या कितना छोटा लिखते हैं या नरेशन हमारा एक ही लाइन में आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग अपना एस्टीमेट लगा लेंगे कि 2 पेजेस में आ जाएगा जर्नल और उसके बाद हम 3rd पेज से वर्किंग नोट लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके थ्रू? यस यस। ये थोड़ा सा एस्टीमेट अपने आप ही लगाना पड़ेगा उस चीज।